नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन बड़ी खबरों के साथ। रेवाड़ी में देर रात नाइट टर्मिनेशन अभियान के कारण रेवाड़ी पुलिस की साख बच गई। केवल बाजार में बदमाशों ने एटीएम मशीन तोड़ने का प्रयास तो जरूर, लेकिन पुलिस की बूट की धमक से वह कामयाब नहीं हो पाए। अज्ञात बदमाशों ने एटीएम बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की। वहीं पुलिस इसे वारदात मानने के बजाय असामाजिक तत्व की हरकत बता रही है। बैंक की तरफ से भी शिकायत नहीं दी गई है, इसी के कारण भी केस दर्ज नहीं हो पाया है। खास बात यह है कि 2 महीने में रेवाड़ी जिले में एटीएम तोड़ने की 2 बड़ी वारदात हो चुकी। सर, क्या सारा मामला था एटीएम पे जो रात को तोड़ी गई है? सुबह सूचना मिली थी हमें कि ये केबल मार्केट में है, अपना गोकल गेट मार्केट है, उसके अंदर कुछ SBI का ATM है। वो SBI का ATM टूटा हुआ है, तो मैं खुद जा कर के चौकी इंचार्ज को लेकर के उसका देखा और वहीं मौजूद बैंक कर्मचारी बुलाया। तो उन्होंने फर्स्ट प्राथमिक जो दृष्टि से हमें लगा कि ये किसी ने बदमाशी की है, छोटी मोटी शराबी हो या कोई शरारती आदमी हो, इस तरह की बदमाशी। क्योंकि वो ATM की ऊपली सीट जो है, सिर्फ जो उसको बोलते हैं हम कीपैड को उखाड़ा हुआ था सिर्फ, बाकी सेफ सब चीज़ सेफ था। सर, किसी प्रकार कोई जान माने का नुकसान? ना, जान माल का कोई नुकसान भी नहीं। अभी उन्होंने कर्मचारियों ने कहा कि हमारा कैश का कोई नुकसान नहीं है, न ATM का नुकसान है, सिर्फ वो प्लेट ऊपर वाली पड़ी हुई थी। पुलिस ने सर क्या कार्रवाई की है? इसमें हमने CCTV कैमरे देखे हैं, उसमें जो भी है कैमरे में जो भी शरारती आदमी आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी के नगर परिषद में वोटर लिस्ट में सरकारी कर्मचारियों द्वारा वोटर लिस्ट में जमकर धांधलेबाजी की जा रही है। लोगों का आरोप है कि पार्षद की मिलीभगत से एक दूसरे की वोट दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए जा रहे हैं और उसके बदले में पैसा लिया जा रहा है। तो भी अपनी वोट का वार्ड को लेकर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो अपनी इंडिविजुअल क्लेम जो है ऑफिस में दे सकता है 3 बजे तक, और सोमवार को 3 बजे तक हम इनको सुनेंगे और उसके बाद उसके ऊपर सर्वे करके फील्ड का उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। सर, जब DC साहब ने ये सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी आता है कि पुरानी वार्ड बंदी के ऊपर ही चुनाव होंगे, फिर भी वार्डों की वार्ड नंबर 9 की वोटें 17 वार्ड नंबर 17 वार्ड नंबर 18 में डाल दी गई है 200-250 वोटें। जब वार्ड बंदी पुरानी की बात आती है, कोई कर्मचारी का नाम भी आए नगर परिषद कर्मचारी का कि उस नगर परिषद कर्मचारी ने पार्षद घर बैठ के लिस्ट बनाई है, जो पार्षद ने टिक कराया उसी वोट को ट्रांसफर की गई है। नहीं, इसी समस्या का समाधान करने के लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी को 1 वीक का टाइम दिया गया है। जनता को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वो इंडिविजुअल लेवल पे आके अपना समाधान करवा सकते हैं। जहाँ तक मास लेवल की शिफ्टिंग की बात है, ये जो है रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास इसकी पावर नहीं होती। हम व्यक्तिगत वोटों के आधार पर ही फैसला करेंगे।